पूरी दुनिया में इंटरनेट कैसे चलता है? एक दिन अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, क्या इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है ना कि दूसरा तरीका अपनाया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो अंटार्कटिक महासागर में बिछाए गए कम्युनिकेशन केबल को अपनी सबमरीन द्वारा नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं। शायद आप समझ चुके हैं कि दुनिया भर के इंटरनेट समुद्र के जरिए केबल बिछाकर किया जाता है। उसी के बदौलत हम लोग किसी भी देश से दूसरे देश के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। लेकिन कौन बिछाता है इतना लंबा केबल? कैसे करता है काम? दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हम अपने चारों ओर जो केबल और तमाम तरह के बॉक्स का जाल देखते हैं, वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट कनेक्शन स्पीड और डेटा ट्रांसफ़र का असली जाल तो समुद्र में हजारों मीटर नीचे बिछाया जाता है। ये जाल पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। केबल के जाल की इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि दुनिया समुद्र के नीचे बिछाए गए केबल के जरिए कैसे वर्चुअल कनेक्शन स्थापित करता है, कितना बड़ा है केबल का ये जाल, इन्हें कैसे बिछाते हैं। दोस्तों, 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र समुद्र के नीचे बिछाई गई कम्युनिकेशन केबल के जरिए होता है। इन केबल को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। अभी फिलहाल समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर की होगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां इन्हें बिछाने का काम करता है। इसके अलावा तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर इसकी फंडिंग का हिस्सेदार भी होते हैं। कैसे बिछाया जाता है केबल? दोस्तों, ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट पर्वत जितनी गहराई से भी अधिक नीचे इसे बिछाने का काम किया जाता है। और इसके लिए होते हैं एक खास नाव। इसको बिछाना इतना आसान नहीं होता। एक दिन में सिर्फ 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक केबल बिछा सकते हैं। सैटेलाइट सिस्टम की तुलना में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर यानी समुद्र के नीचे जाने वाले केबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। इनका नेटवर्क स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन समुद्र के नीचे बिछाए गए इन केबल को सबसे ज़्यादा खतरा प्राकृतिक आपदाओं से होता है। वही इन केबल को समुद्री जीवों ने भी चबा जाते हैं। लेकिन इनके लिए तमाम उपाय भी आजमाए जाते हैं ताकि केबल सुरक्षित रहे। हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक के जरिए इस केबल को समुद्र के अंदर गाड़ दिया जाता है ताकि कोई समुद्री जीव या सबमरीन इसे नुकसान न पहुंचा सके। कई बार समुद्री शार्कों ने इन केबल को चबाने की कोशिश भी करते हैं। इसके बाद से केबल के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाया गया। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल शायद आया होगा कि एक केबल अगर टूट जाता है तो क्या दुनिया से संपर्क टूट जाएगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केबल कटने की वजह से ही संपर्क कट जाए, क्योंकि कंपनियां के पास एक केबल के बदले दूसरे केबल का बैकअप भी रहता है। हालांकि इससे कम्युनिकेशन और इंटरनेट की स्पीड पर काफ़ी असर पड़ता है। 2016 में तमिलनाडु में आए साइक्लोन ने समुद्र के नीचे बिछाए गए इंटरनेट केबल को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण देश के कुछ हिस्से में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। कंपनी ने अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचना भी भेजी थी। इसके अलावा 2013 में कुछ शरारती सुईमान ने अमेरिका और यूरोप से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल को काट दिया था। इससे पूरी इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% धीमी हो गई थी। केबल कहां से काटा, इसका पता लगाने के लिए रोबोट को भेजा जाता है। दोस्तों, एक केबल का जीवन काल करीब 25 साल होता है। उसके बाद कंपनियाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।